हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ पनीर लबाबदार की रेसिपी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पनीर लबाबदार बनाने के लिए पैन को मैंने गरम किया और उसमें थोड़ा सा बटर डालकर थोड़ा सा जीरा डाला है, थोड़े से गार्लिक मैंने क्लोव्स डाले हैं और अदरक के थोड़े से टुकड़े डालकर दो हरी मिर्च को छोटी छोटी काट कर डाल लिया और इसमें एक बड़े प्याज को चॉप करके मैंने रफली चॉप किया है और इसमें डाल करके और फिर ऊपर से एक तेज पत्ता डाला है। उसमें ऐड किया है मैंने सिनेमन स्टिक और दो हरी इलायची और अब सबको इस भून लेंगे, मतलब अच्छे से स्टर कर लेंगे और इसे पकने देंगे। थोड़ी देर के बाद पकाने के बाद प्याज को अब इसमें ऐड किया है मैंने दो चॉप टमाटर, रफली चॉप किया है बड़े बड़े टुकड़ों में। अब इन सबको अच्छे से फ्राई करेंगे। ऊपर से डाला है थोड़ा सा धनिया का पत्ता और इसमें डाल दिया मैंने दो लाल मिर्च, थोड़ी सी नमक डाला है ताकि ये सारे सब्जी अच्छे से कुक हो जाए। अब इसमें ऐड करेंगे थोड़े से मगज के बीज और 10 से 12 काजू लिए हैं, जिसको कि मैंने 1 घंटे के लिए सोक कर दिया था और इसमें ऐड कर दिया। इसमें 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर डाला है और 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला डाल करके इसे फिर से स्टर करेंगे। अब इन सबको पकाने के लिए इसमें डालेंगे 1 कप पानी, अच्छे से 1 कप पानी डाल देंगे ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए, टमाटर प्याज बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स। और अब लीड से इसे कवर कर देंगे और बीच बीच में लीड खोल करके इसे उलट पुलट कर देंगे ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से पक जाएं, पल्पी हो जाएं, ताकि जब हम इसे जार में डालें तो ये अच्छे से पिस जाए। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया मैंने और इसमें से सिनेमन स्टिक तेज पत्ता हटा दिया और बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स को ग्राइंड कर लेंगे। एक स्मूथ पेस्ट बनाएंगे और जब ग्राइंड करने के बाद इसे छान लेंगे ताकि बिल्कुल ही इसमें जो भी थोड़े बड़े बड़े टुकड़े हैं वो निकल जाएं और जो थोड़ा सा बच गया था लास्ट में उसको फिर से ग्राइंड कर लिया पानी डाल करके। और इस तरह से देखिए ये कितना ही स्मूथ पेस्ट तैयार हो गया। इसमें मैंने कोई भी कलर ऐड नहीं किया है इसलिए इसका ओरिजिनल कलर है ये बिल्कुल ही। और अब फिर से पैन को गर्म करेंगे और उसमें डालेंगे बटर और उस थोड़ा सा बटर डाला है, प्योर घी भी डाल सकते हैं। और अब पनीर मैंने 300 ग्राम लिया है जो कि होम मेड है। मैंने बहुत बार आप लोगों के साथ शेयर की है अपने पनीर की रेसिपी, बहुत ही अच्छा पनीर बन जाता है और बिल्कुल ही प्योर पनीर बनता है, इसका टेस्ट बिल्कुल ही अलग आता है। इसमें थोड़ा सा मैंने ऐड कर दिया था हल्दी और थोड़े से रेड चिली पाउडर, हल्का सॉटे करके इसको निकाल लिया, ज़्यादा सॉटे नहीं करना है, बस थोड़ा सा ही 1 मिनट के लिए इसे उलट पुलट करके पका लेना है और इसे निकाल लेंगे। अब फिर से उसी पैन को गरम करेंगे और उसमें ऑयल डालेंगे। आप 1 कटोरी में तो छोटी कटोरी से मैंने 1 कटोरी ऑयल डाली है और उसमें तेल गरम हो जाएगा तब जीरा डालेंगे और 2 हरी मिर्च डालेंगे। जीरा को अच्छे से पकने देंगे, कच्चा जीरा मुंह में आता है तो बिल्कुल उसका टेस्ट बहुत ही ख़राब लगता है। अब फिर से इसमें ऐड करेंगे 1 अनियन जो कि बिल्कुल ही बारीक चॉप कर लिया है और 1 टीस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। अब इन सबको अच्छे से फ्राई करेंगे और जब प्याज बिल्कुल इस तरह से लाल हो जाएगा तब तक इसे फ्राई करेंगे। और अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर जो कि मैंने 2 टीस्पून लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने इसमें रेड चिल्ली पाउडर डाला है। अगर आप चाहें तो इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं, उससे इसका कलर बहुत ही अच्छा आता है। मेरे पास नहीं था तो मैंने रेड चिल्ली पाउडर डाला। और अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके मसालों को अच्छे से पका लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 2 चॉप टमाटर। टमाटर को पकाने के लिए फिर से थोड़ा सा सॉल्ट डाला है, सॉल्ट मैंने पहले भी डाला था इसलिए सॉल्ट की क्वांटिटी बहुत ही लिमिटेड रखना है ताकि ज़्यादा ना हो जाए। अब इसमें 1 कैप्सिकम जो कि बारीक चॉप किया है वो डाल देंगे। ये इंग्रेडिएंट्स बहुत ही
ज़रूरी है पनीर लबाबदार के लिए। और अब इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। और अब जब मसाला अच्छे से बिल्कुल फ्राई हो जाएगा, उसका कलर आपने देखा इस तरह का आ जाएगा, तब इसमें ऐड कर देंगे जो पेस्ट तैयार किया था उसको। और अब अच्छे से सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया पेस्ट बना है। इस तरह से पहली बार मैंने ट्राई किया पनीर लबाबदार, और बहुत ही टेस्टी बना। और अब इसमें ऐड कर देंगे पनीर क्यूब्स जो कि मैंने फ्राई करके रखे थे, और थोड़े से जो मसाले बचे थे उसको भी मैंने पानी में घोल करके डाल दिया। अब ऊपर से 1 कप पानी डाला है मैंने, और इसे 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे पानी को डालने के बाद। और थोड़ी सी चीनी डाली है मैंने ताकि सारे मसालों को ये बैलेंस कर देगा। 1 क्यूब मैंने बटर का डाला है, और थोड़े से ये घर का ही जो क्रीम होता है वो मैंने ऐड कर दिया है। इस तरह से ये पनीर लबाबदार रेडी हो गया। बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है देखने में। अब 3 से 4 मिनट तक इसे पकाने के बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, और 1 क्यूब पनीर इसमें कद्दूकस करके आप चाहें तो डाल सकते हैं। अब इसकी प्लेटिंग करेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है बिना कोई कलर ऐड किए हुए। इस तरह से आप पनीर लबाबदार ज़रूर ट्राई कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय। मिलते हैं अगली वीडियो में।